भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। यात्रा को जहां जहां से होकर गुजरना है उस रास्ते को पोस्टरों और पार्टी के झंडों से पाट दिया गया है। कार्यकर्ताओं में जोश पूरा है। आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी को भाषण सुनने आए, उनको देखने आए। तो देखेंगे उनका भाषण से क्या प्रभाव पड़ता है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जमा हुए लोगों से एक ही सवाल कर रहे हैं, उनकी जाति का महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनिधित्व कितना है। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। अपने भाषण में राहुल गांधी लोगों को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आम जनों के मुद्दे गौन होते जा रहे हैं। जातिगत जनगणना राहुल गांधी की इस यात्रा का मुख्य एजेंडा है और वो इसको लेकर आम लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव जी, आपकी 50% है, ठीक है, उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है, तो 50, 15 और 8 कितने हुए? 50, 15 और 8 यादव जी कितने हुए? 73 हुए। 73। ग्वालियर चंबल संभाग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरना कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जो अभी इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है और अभी जो हाल में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पहले 17 सीटें थी कांग्रेस के पास, लेकिन सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ, वो भी तब जब ये मानकर चला जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में स्वीप कर जाएगी। सारे बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के वो इसी इलाके से आते हैं, इसलिए यहाँ से जो न्याय यात्रा जो होकर गुजर रही है उससे आने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर काफी आशान्वित है कांग्रेस। आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं है, केवल 5 साल के बाद ही आप देख लेना क्या हाल होगा। कहो इसी बार बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। डीजे की गाड़ी खड़ी हुई है, राहुल जी के आगे चलेगी। मौसम खराब होने के बावजूद लोग राहुल को सुनने के लिए जमा हुए हैं और वो उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित हैं। राहुल गांधी के भाषण सुनने आए, उनको देखने आए। क्या लगता है आपको कांग्रेस का भविष्य कुछ होगा? अब भविष्य तो कांग्रेस का अच्छा है साहब, अब क्या करें, वो तो अब प्रशासन की तरफ से सब गड़बड़ हो रहा है, आज भविष्य तो कांग्रेस का अच्छा है, बस अब सब ऐसे ही है साहब। अब तो क्या तो देखेंगे उनका भाषण से क्या प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, उसे प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा लाग है, बढ़िया लाग है। देखने आया रोड शो के दौरान राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं और फिर कारवां आगे निकल जाता है। उनको सुनने आए कुछ लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता उनकी बातें राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब जनता इतनी खड़ी है, इन जनता में से कोई जाना चाहेगा उनके पास नहीं जाने देंगे, इसलिए नहीं जाने देंगे कि यहाँ की बात पूरी बताया जाएगा और पूरी बात हमारी पोल खुल जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा आम चुनाव से पहले लोगों के बीच पार्टी की बात पहुँचाने में मददगार साबित होगी। जो पूर्व से पश्चिम की ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है राहुल जी इनफैक्ट कांग्रेस के द्वारा, वो जो सारे इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए, जिस प्रकार का अन्याय पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है, अभी वो संवैधानिक व्यवस्था को लेके हो, वो रोजगार को लेके हो, वो किसानों को लेके हो, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, तब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई कि किस प्रकार से आज जनता को न्याय मिले और वो न्याय जो है वो एक परसेप्शन बन के कांग्रेस के लिए जनमत का काम करे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्राएं उन्हें एक बड़े राजनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए आयोजित की जा रही हैं। पूरी यात्राएं राहुल गांधी जी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए थी, जो बार बार फेल और फ्लॉप हो रहे हैं। पिछली यात्रा का नतीजा 0 था, इस यात्रा का नतीजा उससे भी खराब होने वाला है। आप देखिए कि नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सबसे ज़्यादा अन्याय किया,
आपातकाल से लेकर लूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण सब कुछ किया और आज वो न्याय की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता ये जरूर मानते हैं कि मौजूदा चुनावी माहौल में उनके सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन वो इस चुनौती का सामना करने का दावा भी कर रहे हैं। पब्लिक का सेंटिमेंट है वो अब आप समझिए आक्रोश में परिवर्तित है। अब वो आक्रोश कितना कन्वर्ट हो पाता है मुझे लगता है ये 1 लाख का प्रश्न है, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से होमवर्क कर रही है, हम सतत प्रयास में हैं और जनता हमारे साथ भी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी आधार जरूर है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच संवादहीनता की एक गहरी खाई है। अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात करें तो नीचे तक कनेक्टिविटी कांग्रेस की है नहीं, खराब हो गई है। उसके पास वोटर हैं लेकिन वोटर के की जानकारी ऊपर तक पहुंचने का जो पाइपलाइन होती है वो पाइपलाइन ब्रेक तो क्या कहें ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ना तो ऊपर की बात नीचे आ पाती है ना नीचे की बात ऊपर आ पाती है। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर रही है। साल 2018 में उसने राज्य में सरकार बनाई तो जरूर थी मगर वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। यहां तक कि पिछले विधानसभा के चुनावों में सत्ता विरोधी लहर का लाभ भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया। अब पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी की यात्रा से जातिगत जनगणना की बात आम लोगों के बीच चुनावी मुद्दा बन जाए, मगर उनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। सलमान रावी, BBC ग्वालियर, मध्य प्रदेश।